नमस्कार फ्रेंड्स एंड हग टू ऑल ऑफ यू। मित्रों आज मैं अध्यात्म जिसको हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं, हीलिंग जिसको हम कहते हैं किसी बीमारी का ठीक होना या किसी भी मुश्किलों का हल खोजना, ये एक बहुत ही होलिस्टिक वर्ड है और ज़्यादातर आयुष पद्धति में इस्तेमाल होता है, और तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इन तीनों के संबंध बताऊँगा। फ्रेंड्स हीलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, बीमारियाँ, ये तीनों का संबंध आपस में, इसलिए ये ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया है। हीलिंग इज अ होलिस्टिक वर्ड, हीलिंग एक होलिस्टिक वर्ड है, ये एक ऐसा विधा का शब्द है जो कि आयुष से आता है। आज इंडियन गवर्नमेंट एक अलग से आयुष मंत्रालय रन करती है, बहुत बढ़िया बात है। इसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड योगा, ये पाँचों मिलकर इस मंत्रालय को कंप्राइज करती है। सो किस तरीके से कोई पेशेंट की लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, माइंड बॉडी हीलिंग, साधना, योगा और आयुर्वेदा जीवन में बदलाव कर सकती हैं, इसके ऊपर एक बहुत वृहद कल्चर और रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। और मैं आपको आज के डेट में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल प्रैक्टिस और क्वांटम हीलिंग दोनों आपस में जुड़ते हुए कंसेप्ट हैं। सो मेडिकल प्रैक्टिस और क्वांटम हीलिंग क्या है? क्वांटम हीलिंग इज द हीलिंग व्हेन देयर इज अ एनर्जी फील्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड by the healer to take care of the patient's disease. Medical practice क्या है? मेडिकल प्रैक्टिस मटीरियल साइंसेज में हम reasons पता करते हैं और फिर कोशिश करते हैं पेशेंट को ठीक करना, तो कुछ हद तक हम इमरजेंसीज में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए वी रिक्वायर हेल्प ऑफ मटीरियल ई मटीरियल सब्जेक्ट्स लाइक एनर्जी फील्ड। सो एनर्जी फील्ड मेडिसिन आज की डेट में होम्योपैथिक थेरापेटिक्स है, योगा है, योगा में स्पेशली साधनाएं हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, चैंटिंग है, ये सभी एक ऐसी विधाएं हैं जिसके अंतर्गत हम एनर्जी लेवल में चेंजेस पैदा करके एक पेशेंट की जो डिजीज उसकी ऑरा में, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसको हम मेडिकली कहते हैं साइको, तो साइकोसोमैटिक, साइको मतलब ऐसी चीज जो दिख नहीं पाती, सोमैटिक मतलब बॉडी सेल्स, तो साइकोसोमैटिक डिजीजेस जो कि 80% बीमारियां हैं उसको हम नॉन मेडिकली कहते हैं सूक्ष्म शरीर से उतरी हुई बीमारियां जो ऑरा को अफेक्ट करती हैं, जो कि हमारी थॉट प्रोसेस से जुड़ी होती हैं, वहां से जुड़ के जब वो बॉडी में उतरती हैं, तो उस स्थिति में अगर हम वहाँ पे इनमें व्यवधान पैदा करें विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेडिसिन, या हम वहाँ भी उसको रोक दें, तो बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है कम से कम दवाइयों की मदद के साथ। सो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो एनर्जी हीलिंग है, ये इस ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं, एंड आई विल स्पीक टू यू अबाउट हाउ द एनर्जी हीलिंग विद द हेल्प ऑफ राजयोग, जहाँ पे हम यमा, नियम और रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, किस तरीके से उपनिषद्स, वेदांत और उपवेदा, अप्लाइड उपनिषद्स, किस तरीके से मेडिकल साइंस का आने वाले दिनों में एक नया स्वरूप बनने वाला है। हालांकि इसको बनते हुए देखकर आज की डेट में बहुत सारी बहस शुरू हो गई है, क्योंकि अगर ये शुरुआत हो गई तो इतने बड़े अस्पताल्स, इतने इतनी मेडिसिन के बड़े बड़े कंपनीज, इनमें इनका क्या होगा? तो डेफिनेटली इनमें भी चेंजेस इनको करना शुरू करना चाहिए। अल्टीमेट एम ऑफ एनी डॉक्टर इज टू सी द ह्यूमैनिटी और पेशेंट्स ठीक हो, कम से कम उनकी तकलीफें हों, कम से कम उनका व्यय खर्च हो। आज की डेट में बहुत बार मेडिकल साइंस इनह्यूमन सी होती दिखती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ के मनुष्य से संपर्क उसने कम कर दिया। सो होलिस्टिक मेडिसिन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हीलिंग, उपनिषद्स का यूज हमारे योगा प्रैक्टिसेस में, यही फ्यूचर पैराडाइम मेडिकल साइंस के नियुक्त करेगा। क्वांटम हीलिंग और क्वांटम फिजिक्स, ये दोनों संबंध आपस में, और आज की डेट में जो फिजिक्स का नया दौर है वो क्वांटम फिजिक्स के रूप में होता है, जिसमें सिर्फ साउंड, वाइब्रेशन और एनर्जी की बात की जाती है, मैटर इज द अल्टीमेट पार्ट। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर दैट दिस विल हेल्प यू वंस यू लिसन टू आवर फर्दर वीडियोस। वर्ल्ड की मेडिकल सिस्टम्स की जो पॉलिसीज हैं वो हेल्थ की पॉलिसीज पे पूरी तरीके से मोनोपोलाइजेशन एलोपैथिक प्रैक्टिस का, जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन मॉडर्न साइंस कहलाती है। देखिए, साइंस कभी भी मॉडर्न नहीं होती, साइंस इज ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। सो साइंस, मॉडर्न साइंस, तो मॉडर्न साइंस का जो एलोपैथी को नाम दिया गया, मैं उसको उससे इतफाक नहीं रखता हूँ, दे दिया गया, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ते आया हूँ, लेकिन बट आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज साइंस इज समथिंग विच इज कॉल्ड टेक्नोलॉजीज, एंड मॉडर्न साइंस सिंस इट इज अ मेडिसिन which treat a human being, so human being is not a technological gadget, it has its life entropy, which is a very different phenomena। agar life entropy ko hum dekhte hain to life jo hamari body hai
वो नेगेटिव एंट्रोपी की तरफ मूव करती है, जबकि दुनिया में जितने भी फिनोमेनास हो रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के हिसाब से पॉजिटिव एंट्रोपी की तरफ मूव करती हैं। दैट मीन्स एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स रैंडमनेस एंड इंक्रीज ऑफ एनर्जी सिस्टम इन अ क्लोज्ड यूनिट। तो बॉडी जो होती है वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म लेती है। इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ से मिलता है? डेफिनेटली हम उसको कहते हैं स्पिरिट लाइक फोर्स, या हम उसको अपने अद्वैत प्रिंसिपल्स में उपनिषद्स और हिंदुइज्म फिलोसफी के हिसाब से हम इसको कहते हैं सोल। तो सोल के पास कहाँ से एनर्जी लेवल्स आती है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत एक छोटा सा मॉलिक्यूल नेगेटिव एंट्रोपी मतलब दुनिया के एंट्रोपी के अगेंस्ट में जाकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वो भी बहुत ही हायर प्रोफाइल का स्ट्रक्चर। ह्यूमन बॉडी, लिविंग बॉडीज, डिफरेंट माइक्रो बैक्टीरिया, ये सब अगेंस्ट एंट्रोपी। और जिस समय इनके अंदर का लाइफ फोर्स जान खत्म हो जाती है तो ये वापस प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करने लगते हैं। तो उस बोलने का मतलब है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस है ये नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए सही है, लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए साइंस को मॉडिफाई करना जरूरी होगा। तो इसलिए जो मिसिंग लिंक को मॉडिफाई करने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल और मल्टी स्पेशलिटी है, और बहुत सारी स्पेशलिटीज मिलकर ही इस मिसिंग लिंक को पूरा करेंगी जो ह्यूमन मेडिकल साइंस को पूरा कर सकता है। माइंड जो है वो एनर्जी लेवल्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम वो हायर एनर्जी स्टेट से कनेक्टेड है, जिसको उनने कहा है सुपर फ्लूइड क्वांटम वैक्यूम SQS, और यही अलग अलग लेवल पे 5G 6G nth G तक है। तो nth G को अल्टीमेटली जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें एक्सपीरियंशियल फिनोमेना आया, दैट मीन्स साइंस की जो एपिस्टेमोलॉजी उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ गया, न्यूटोनियन फिजिक्स को चेंज करना पड़ गया, कार्टिजियन फिजिक्स को चेंज करना पड़ा उनको। उनने एक नया कंसेप्ट लेकर आया, दैट इज कॉल्ड एडवांस्ड रिलेटिविटी। तो एडवांस्ड रिलेटिविटी के हिसाब से देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम, दैट मींस जो चीजों का जो चीजों की वेलोसिटी के हिसाब से उनमें बदलाव आ रहा है उसको टाइम इक्विवेलेंट माना गया। अदरवाइज टाइम इज नथिंग, टाइम डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस को का जो डिसकनेक्ट है वो उसको न्यूटोनियन की तरफ ले जा रहा है। बट टू सेव ह्यूमन लाइफ विच वी हैव सीन इट हैज टू हैव अ कनेक्शन ऑफ स्पिरिट माइंड बॉडी ऑल द थ्री टू बी पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस। तो जितने नॉमिनोज हैं वो फिनोमेना के पीछे एग्जिस्ट करते हैं, तो नॉमिनोज के ऊपर जो वर्क करती है वो साइंस योगा कहलाती है, वो एनर्जी फील्ड मेडिसिन कहलाती है। लेकिन यस, इट इज वेरी इफेक्टिव, योगा इज वेरी इफेक्टिव। सो आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट योगा एंड होम्योपैथी एंड हाउ द एनर्जी मेडिसिन आर वर्थ साइंटिफिक। ये जो डिसकनेक्ट है इसको होलिस्टिक मेडिसिन पूरा करती है, इसको माइंड बॉडी हीलिंग कनेक्ट पूरा ठीक करता है। ये जो डिसकनेक्ट है वो ये बताता है कि देर इज एनर्जी फील्ड, देर इज अ लेवल ऑफ एनर्जी फील्ड विच क्रिएट्स अस, विच इज एवरीवेयर इन ऑल आवर सेल्स। वी आर देयर, वी आर नॉट देयर, बट दिस इज देयर इज एनर्जी फील्ड विच मेक्स अस, विच डिस्ट्रॉयज अस। सो ये एनर्जी फील्ड्स को हम माइंड बॉडी कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंगल से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो जब भी हम माइंड बॉडी हीलिंग की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल सिंबल्स, मंत्र, ईश्वर से कनेक्टिविटी, आप जिस भी धर्म के हो आप ईश्वर से कनेक्टिविटी को बिल्कुल क्लियर माइंड में रखें, क्योंकि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हम उसको जैसा भी समझें बट ईश्वर को मैं यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक मेथड्स में, वो ये पूरा एनवायरमेंट इज नथिंग बट अ स्पिरिचुअल गॉड एग्जिस्टेंस, हर एक अणु में ईश्वर है। तो ये जो ईशावास है यही माइंड बॉडी हीलिंग है, क्योंकि ह्यूमन बींग जिस पृथ्वी पर आता है उसका एम ईश्वर को पाना है, उसका एम अपने शरीर की स्थितियों को समझते हुए, अपने कर्म को करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए अल्टीमेटली ईश्वर के हिस्से का पार्ट बनना है, इस पूरे ब्रह्मांड में समाना है। पंचभूत तत्व हैज टू गेट इनटू पंचभूत तत्व। जब तक हम रहते हैं तब तक हम अपने जीवन में कार्मिक साइकिल से अचीवमेंट्स करते हैं, वो अचीवमेंट सही डायरेक्शन पे हो, वो अचीवमेंट दूसरों के लिए गुणकारी हो, इस पृथ्वी के लिए बेहतर हो, इस बात को समझने की ट्रेनिंग ही गुरुकुल और स्पिरिचुअलिटी कहलाती है। सो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी किसी के अगेंस्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ ये आपके और आपके हित में होती है। सो माइंड बॉडी हीलिंग इज नॉट ओनली द मेडिकल पार्ट, माइंड बॉडी हीलिंग इज लाइक द लिविंग। योगा, स्पिरिचुअलिटी, हम प्रार्थना करते हैं, हम इस पृथ्वी पे साधनाएं करते हैं, ये सब स्पिरिचुअलिटी, सब माइंड बॉडी हीलिंग है। अल्टीमेटली जब हम लोगों को ट्रेन करते हैं, बताते हैं, तो हम खुद भी उसमें एक तरह के जिज्ञासु स्टूडेंट रहते हैं, और हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपकी बॉडी में ये बदलाव आए हैं,
आप किस तरीके से सरलता के साथ बिना किसी खर्चे के अपने को बेहतर भी कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे, अपने आसपास के वर्ल्ड में सहयोग कर पाएंगे। और मुझे आखिर तक सुनने के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए मैं आपके अंदर बैठे ईश्वर को नमन करता हूं।